मैं हूँ, ये अयाज है और हम शहद उतार रहे हैं। मैगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज हम आए हैं आम के बाग में और यहाँ पर हमने एक बड़ा शहद देखा है। मैं, अयाज और फिदा हुसैन यहाँ पर आए हैं शहद उतारने। और यहाँ पर अगर आप देख सकें तो ये जो बाग है, अब आम जो हैं तैयार होने वाले हैं, यानी कि 1 महीने बाद यहाँ पर जो है आम हो जाएंगे, इतने से हो जाएंगे। तो देखते रहिए व्लॉग को, एंजॉय कीजिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो देखते रहिए, एंजॉय कीजिएगा। तो हम शायद उतारते हैं, तो देखते रहिए। तो यहाँ से हम जो है धुआं वगैरह बनाएंगे। शायद जो है दूसरे दरख्त पर बैठा हुआ है, काफ़ी ख़तरनाक शहद है, आप कभी ट्राई ना कीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी हो गया तो जान भी जा सकती है, क्योंकि ये वाले जो शहद है काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, आप ट्राई ना करिएगा, अगर आप लोगों को तजर्बा नहीं है तो आप बिल्कुल ट्राई ना करें। ठीक है, अभी हम धुआं बनाएंगे और उसको पकड़ेंगे, यानी कि उतारेंगे। तो देखते रहिए। हमने जो है धुआं वगैरह बना लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं उतारने। आम के दरख्त के ऊपर है, हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो देखते रहिए। तो ये कैरवश भी आ गए हैं शायद खाने के लिए आए हैं। कैरवश को अभी दूर जाना पड़ेगा। ये है रहमान बाबा, ये रहमान है, और ये मजीद है, जो कि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा हो। तो ये देखिए, बंदा डर गया है, अभी जा रहा है वापस, और इसके साथ जो है ये बंदा भी डर गया है। मैं नहीं डरा। नहीं डरे? नहीं, मैं तो इधर बैठूंगा। इधर बैठोगे, बाद में नहीं कहना। चलो देखते हैं कि ये कितना दिलेर बनता है भाई। तो ये देखें शहद, मैं हूँ, ये अयाज है और हम शहद उतार रहे हैं। ये देखें ना ना, हम शहद उतार रहे हैं, अभी दरख्त के ऊपर हैं, तो देखते रहिए। देखे माशाल्लाह से शहद का रस है।
तो ये देखें इस बाइक को बहुत ख़राब तरीके से काटा है मैंने, तारीफ भी देखी, ये दिलेरे इसने कुछ नहीं पहना, फिर दंगे। ये देखें बहुत ख़राब जगह पे काटा है, मेरे को भी काटा है। ये देखें माशाल्लाह से ये वाला जो प्लेट है भर गया है, और ये जो शायद अभी भी हमारे ऊपर हैं काटने की कोशिश कर रहे हैं। आया देखे थी बुरजाए टॉल सर, अभी भी हमें काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही ख़तरनाक शायद है। आप कभी ट्राई ना कीजिएगा, अगर तीन चार शायद ने काट लिया तो तबीयत जो है ख़राब हो सकती है। और ये भाई जो है पेट्रोल लगा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल से कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो असर है वो ख़त्म होता है, तो मैं भी लगाऊंगा अपने हाथ पे। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी हमने शायद उतार दिया है, तो अभी हम इसको जो है खाएंगे, और कुछ शायद के अंदर मक्खियां हैं उनको साइड पे करेंगे तो खाएंगे। तो व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है, क्योंकि शायद जो है बहुत ख़तरनाक था, फर्स्ट टाइम इस वाले शायद ने मुझे काटा है। अगर तीन चार शायद ने काटा होता तो काम बहुत ही ख़राब हो सकता था, डॉक्टर जाना पड़ना था। तो अल्लाह का शुक्र है एक ने काया है, तो इतना मसला नहीं है। ट्राई कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मीठा शहद है। अगर आप लोगों ने वो छोटे वाले शहद खाए ना, सेम टू सेम उसकी तरह है, उससे भी थोड़ा सा मीठा है, तो बहुत ज़बरदस्त है। कैसा है प्रदर्शन? बहुत अच्छा है, पर गले को पकड़ रहा है। गले को पकड़ रहा है। रहमान कैसा बहुत है? बहुत मीठा है। बहुत मीठा है, बहुत अच्छा। हमको तो मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये सारा ख़त्म कर जाओगे? नहीं नहीं सारा नहीं ख़त्म करोगे? नहीं नहीं। अच्छा, जितना पेट में आएगा उतना लाएंगे। मुझे इस पे शक लग रहा है, ये पूरा खा जाएगा रहमान। तो सीन कुछ ऐसे है कि तीन चार मधुमक्खियाँ अभी भी हमारे पीछे हैं, बहुत ही ख़तरनाक है, समझ रहे हैं। अगर आज के दिन हम उस जगह पे वापस जाएं तो वो जो है हमारे ऊपर दोबारा से हमले करेंगे, क्योंकि उनको हमारा जो खुशबू है वो लग चुका है। तो इसी वजह से अभी दो तीन शायद ऊपर आ रहे हैं, अभी हम कितने दूर आ गए हैं फिर भी हमारा जो है पीछे नहीं छोड़ रहे। तो भाई लोग सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर जो है मैं नहाने आया था, तो शायद हमने उतारा, बहुत ही ख़तरनाक शायद था, मेरे जो है इस हाथ पे काटा है, अभी सूज गया इतना सा, और दूसरा जो लड़का था उसके इस वाले जगह पर काटा था, उसका जो आँख है वो बंद हो गया है। अगर तीन चार शायद और अगर लड़ते ना तो काम हो जाता ख़राब, डॉक्टर भी जाना पड़ जाता, क्योंकि ये जो शायद होते हैं ना ये बहुत जहरीले होते हैं, अगर ज़्यादा मधुमक्खियाँ काटती हैं तो रिएक्शन होता है, जान का भी ख़तरा हो सकता है। अगर आप लोगों के इलाके में इस तरह का कोई शायद बैठा हुआ है, और अगर आपको तजर्बा नहीं है तो आप अर्गिज़ ना उतारिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक सो के आज का व्लॉग जो है यहीं से ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो ये देखिए यहाँ पर जो है गांव में इस तरह के पानी में लोग नहाते हैं, ये देखें इस तरह के पानी में लोग नहाते हैं। गंदम भी ऑलमोस्ट तैयार है, ये देखिए काफ़ी प्यारा नज़ारा है। गर्मी भी आई थिंक सो के जो है स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों बाद, गर्मी भी जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो सीन कुछ ऐसे हैं।